Hey guys, welcome to the channel once again. मैं आपका दीपू साहब स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी और चैनल दीपू ब्लॉग्स में। तो एक महीने बाद जो है कैमरे के सामने आया हूँ एंड ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज एक महीना गैप हो गया यूट्यूब में, तो मतलब कुछ ऐसे ही पानी बरसात और कहीं जा नहीं पाया इस रेनी सीजन में, प्लस थोड़ा काम भी था तो गैंगटॉक में ही था एंड सिलीगुड़ी अप डाउन कर रहा था लेकिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ। एंड पिछले एक महीना से कहीं पे भी घूम भी नहीं पाया हूँ, तो बस आज एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि कहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये हमारे उज्जवल भाई। Hello. तो उज्जवल भाई के दुकान में बैठा हुआ अभी, जो कि है एम जी रोड के बिल्कुल नीचे। तो यहाँ से जो ऊपर वो देख रहे हैं वो है एम जी रोड एंड नीचे वो ये है सिक्किम टी हाउस, राइट? सिक्किम टी सेंटर। ओ, सिक्किम टी सेंटर है तो भाई की दुकान का नाम। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं चाय पत्ती वगैरह खरीद सकते हैं, देख ही पा रहे हैं पूरा एकदम। ये है गौरव, गौरव से मिल लीजिए, बहुत बार तो देखा ही है इसका आपने। तो ये है सिक्किम टी, यहाँ का मतलब बहुत सारे वैरायटी के चाय पत्ती है, कौन से पता भी नहीं है, तो एक दो का बता ही दे भाई जल्दी से। अरे जैसे कि यहाँ पे सिक्किम का होता है टीमे, सबसे मतलब एकदम खास वाला बता, टीमे टेमी टी, और भी है फर्स्ट क्लास, ये सब होता है क्वालिटी। अच्छा ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, उसके बाद ये गोपाल धारा सब दार्जिलिंग की टी है, ये सब दार्जिलिंग वाला दार्जिलिंग। ये इसमें मतलब वो फ्लेवर टाइप मैंगो वैनिला मिंट चॉकलेट स्ट्रॉबेरी चाय में फ्लेवर होता है। हाँ भाई ये तो मैं ही खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, पीच फ्लेवर भी मिल जाएगा, अरोमा इसमें 32x होगा, मतलब सब क्वालिटी का है। अच्छा तो ऐसे मतलब क्वालिटी तो इतना है कि एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा इसके ऊपर एंड अगर आप चाहेंगे तो बना भी दूंगा, लेकिन फिलहाल आज ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंड यहीं से बस मतलब उज्जवल भाई से मिलने आया था तो सोचा व्लॉग भी यहीं से शुरू कर लेते हैं दुकान में बैठे बैठे। अभी जाऊँगा थोड़ा बाहर आसपास घूमूंगा एंड अभी का क्या सिचुएशन है सिक्किम का आपको दिखाऊंगा। बहुत लोग पूछ रहे थे अगस्त एंड सेप्टेम्बर के टूर के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। तो चलिए बने रहे व्लॉग में, अभी निकलता हूँ बाहर एंड फिर वापस आता हूँ कैमरे में। तो अभी का ये है सिचुएशन एम जी रोड का, देख ही पा रहे हैं बॉस थोड़ा बहुत टूरिस्ट है एंड अभी हमें टूरिज्म के आगे, और ये आगे जो दिख रहा है ये है नेशनल हाईवे 10। और अच्छा सा धूप निकला हुआ है लेकिन अभी थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड अभी जो है मास्क भी 16 तारीख से यहाँ पे कंपलसरी हो गया है। बीच में मास्क का थोड़ा सा मतलब ये था, मास्क नहीं पहनने से भी हो रहा था, लेकिन अभी जो है फिर से मास्क यहाँ पे हो गया है कंपलसरी। एंड यहाँ पे अगर आए आप तो मास्क जो है ज़रूर लगा के रहे। तो थोड़ा सा दूर आना था हम लोग को, लेकिन आज इतना लेजीनेस फील हो रहा है तो हमने ले लिया टैक्सी, हालांकि ज़्यादा दूर है नहीं। तो जिस जगह में जा रहे हम, गौरव का ही सजेशन है, तो मतलब इस जगह में जो है ऐसे चलने का रास्ता बनाया हुआ है, साथ ही साथ साइड में व्यू बहुत ही मस्त है। तो इसी का थोड़ा आगे जाके एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बन चुका है। रेस्टोरेंट है क्या है? रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट। अच्छा तो रेस्टोरेंट है, तो व्यू भी बहुत ही अच्छा आएगा शायद वहाँ से, अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं भी। तो अब से जो है थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कि कंटेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँ एंड आपको गैंगटॉक के लोकल रेस्टोरेंट एंड ये सब फूड काइंड ऑफ फूड ब्लॉगिंग जैसा कुछ दिखा पाऊँ। तो कैसा रहेगा आप सजेस्ट कीजिए मुझको कमेंट सेक्शन में, या फिर जैसा मैं अभी सिक्किम रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ वैसा ही कंटिन्यू रखूँ। आपको जैसा देखना पसंद होगा वैसा टाइप का कंटेंट दूंगा मैं। तो बस चलते अभी एंड ये क्या है, एंड मास्क कंपलसरी होने के बाद यार क्या बोलूँ, बहुत दिन मास्क नहीं पहना, फिर अचानक से जो मास्क स्टार्ट हो गया ना सांस ही नहीं ले पाता हूँ, ऐसा हो जाता है। एंड यहाँ का देखिए नेचर कितना खूबसूरत है, ऐसा चलने का रास्ता बनाया हुआ है। साथ ही साथ अभी तो यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ हैं, ऊपर जाएंगे तो आपको व्यू दिखेगा देवराली बाज़ार का एंड इसी के ऊपर से रोपवे भी गुजर रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप भी चाहे तो
यहाँ पे वॉक के लिए आ सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो। बिग बाज़ार आइए, किसी को भी पूछ के बिग बाज़ार आइए, फिर वहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा साइड बाई साइड रोड के सामने। चलते चलते आप पहुँच जाएंगे देवराली तक एंड इस व्यू को जो है इन्जॉय कर पाएंगे। एंड मेरा फेस देख के भी आपको लग रहा होगा कि एकदम मतलब, एंड आज मैं उठाऊँ 1 बजे तो फेस देख के लग ही रहा होगा एकदम स्लीपी स्लीपी टाइप का, तो 1 बजे उठाऊँ क्योंकि आज है सैटरडे, दुकान बंद है, तो आराम से मतलब एकदम सो के उठाऊँ। फिर बस ऐसे ही निकला था, ब्लॉग बनाने का भी मूड था नहीं आज, गौरव आ गया तो बस एक वॉक के लिए निकल गए, फिर ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत इरेगुलर हो गया था कंटेंट एंड कंटेंट बना नहीं पा रहा था, तो एक छोटा सा ब्लॉग एंड कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगा साथ ही साथ। अगर आप अभी सिक्किम प्लान करना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को जो है ज़रूर देखिएगा। तो पीछे जो व्यू दिख रहा है इसी व्यू का बात कर रहा था मैं, थोड़ा इसे ऊपर आएंगे तो एकदम क्लियर व्यू नीचे का दिखता है। तो यही वाला है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का नाम है डाउन हिल। तो आ चुके हैं हम इस रेस्टोरेंट के अंदर एंड व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ से बिल्कुल व्यू के बगल में बैठा हुआ हूँ एंड यहाँ से जो है पूरा देखिए पूरा पहाड़ों का व्यू है, नीचे जो है देवराली टाउन दिखाई दे रहा होगा आपको एंड यहाँ पे है गौरव लग रहा है अभी सो के उठा है क्योंकि इसका कहीं पे भी जाने का प्लान था नहीं, इसको उठा के ले आया हूँ ऐसे ही मैं। एंड बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे हमने ले लिया है अपना वर्जिन मोहितो एंड पनीर चिल्ली क्योंकि अल्कोहल तो मैं लेता नहीं हूँ, गौरव भी लेता है नहीं, तो बस अपना मोहितो पी के व्यू देख रहे हैं आराम से बैठ के, खाना वाना घर से खा के आए ना एंड इसलिए मतलब यहाँ पे बस स्टार्टर ले रहे हैं क्योंकि मोटो तो है आपको व्यू दिखाने का एंड रेस्टोरेंट का आइडिया देने का। एंड म्यूज़िक भी बज चुका है तो ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, कॉपीराइट आ जाएगा। कैसा लगा? मज़ा आया, अच्छा लगा, खाना उतना ठीक नहीं था लेकिन व्यू मस्त है। पनीर टिक्का जो ऑर्डर किया था पनीर टूटा हुआ था एंड मोहितो में तो पता ही है बर्फ हर जगह इतना डाल देते हैं सोडा बचाने के लिए तो चलिए ओवरऑल ठीक था, व्यू अच्छा था, बस यही है व्यू का पैसा है बात, बाकी तो खाना नॉर्मल ही लगा मुझको। यहाँ से बहुत ही खरा चढ़ाई चढ़ना होगा अभी, तो एक्चुअली हम लोग को आना था इस तरफ से लेकिन हम लोग टैक्सी में गए तो नीचे से आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सजाद भाई के घर में जो कि बहुत ही नीचे रोड से, एंड सजाद भाई के घर से व्यू देखिए, crash test to analyze their safety rating.
गैंगटॉक में गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है या आपको ज़्यादा लग रहा है? तो कम्बल भी नहीं उठा पाएंगे क्योंकि पूरा नंगे है शायद। पूरा पूरा एकदम। इसमें कुछ पहने हैं कि नहीं? अरे ना भाई, कुछ नहीं पहने हैं। अरे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, अब आ तो चुके हैं हम सजाद भाई के घर में, एंड सजाद भाई सोए हुए थे, उनको उठा भी दिया। तो आइए सजाद भाई, हमारे व्यूअर्स को कुछ ट्रैवल अपडेट दीजिए, और पहली बात ये बताइए कि आप ऑफिस में क्यों नहीं है? आप घर में क्यों हैं? एक्चुअली आज ऑफ डे है मेरा। मतलब ऐसा नहीं कि सैटरडे है बोल के है ना घर में वो बैठा हूँ। एक्चुअली कल रात को थोड़ा लेट से भी सोया, और सुबह में थोड़ा मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा गैरेज गया था, तो थकान सी हो रही थी, तो उसके बाद मैं आके सो गया बस ऐसे। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे दिन में इतनी धूप है, तो मैं शॉर्ट आउट खोल के पूरा ऐसे ही सोया पड़ा था, क्या करें। और वैसे भी सदत भाई का घर और ऑफिस लगभग 1 मिनट का रास्ता है, जैसे कोई ऑफिस में आता है दौड़ के चल जाते हैं घर से, क्या? तो सजाद भाई बहुत, मतलब 1 महीना हो गया कंटेंट नहीं डाला हुआ। बहुत लोगों का कमेंट है इंस्टाग्राम में, क्यूरी है कि जो अगर हम सितंबर या अगस्त में जो प्लान कर रहे हैं, अब अगस्त आ ही गया, तो अगस्त में जो प्लान कर रहे हैं कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं, बरसात वगैरह कैसा रहेगा, सब पूछ रहे हैं। एंड मैं खुद भी बता देता, लेकिन मैं आपको लेके आया हूँ क्योंकि आप है टूर ऑपरेटर। मैं बोलूँ तो शायद ही विश्वास न करें, लेकिन आप बोलेंगे तो विश्वास कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए आप व्यूअर्स को, अगस्त में आना कैसा रहेगा, क्या रहेगा? देखिए बेसिकली अगस्त में तो अब जैसे आप लोगों को पता है ना, हमारा इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, राइट? तो उस टाइम में तो ऑब्वियसली रश रहेंगे ही। जैसे अभी मैं आपको बेसिकली अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे अभी अभी मानसून अब खत्म हो रहा है, ठीक है, बारिश सबसे पहले, बरसात एकदम कम हो रहा है, और टूरिस्ट का फ्लो भी अभी मतलब अब अगस्त से पीक बढ़ रहा है, ठीक है, अब बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, अब बढ़। तो आज 23 तारीख, लगभग लगभग 5-6 दिन से बारिश बहुत ही कम, बहुत रात को ही हो रहा है जो, हाँ जो रहा है रात को ही थोड़ा थोड़ा होता है, बाकी यहाँ का अब वेदर बहुत ही बढ़िया रहा है। तो यही है अपडेट फिलहाल वेदर का, एंड बाद बाकी तो आपको कैब होटल बुकिंग कुछ भी चाहिए तो सदत भाई को डायरेक्ट कांटेक्ट कर ही सकते हैं। बाद बाकी रोड एंड ऑल अभी एकदम फुल्ली खुला हुआ है, नॉर्थ सिक्किम भी फुल्ली खुला हुआ है, तो परमिशन एंड ऑल के लिए तो आपको पता ही है, सदत भाई का ऑफिस का एड्रेस एंड सब कुछ तो दे ही रखा है पहले भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यही है अपडेट फिलहाल अभी का, वेदर का अपडेट जो सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे यही था, एंड यही है सदत भाई के घर से। देखिए सदत भाई ऐसे लोकेशन में रहते हैं पूरा एकदम, यहाँ पे बैम्बू का एक पूरा क्या बोलते हैं फॉरेस्ट बोल सकते हैं इसको, एंड यहाँ पे पूरा रांका वैली का व्यू। तो सजाद भाई आपको उठा दिया, गुस्सा तो नहीं हुए? अरे भाई गुस्सा क्या है, तो बहुत बढ़िया आप आए यार, वही तो मैं ब्लॉग बनाते बनाते आ रहा था, तो एक्चुअली मतलब अनएक्सपेक्टेड आया, मुझे पता भी नहीं था कि ये ब्लॉग बना रहे, मतलब क्या एंड एकदम बढ़िया है, क्योंकि टेंशन हो गया 1 महीने से कंटेंट नहीं डाला हूँ ना, एग्जैक्टली जी, काम वाम में भी बिजी था, डाल नहीं पाया हूँ। तो चलिए देखता हूँ रेगुलर रखूँ अब, एंड थोड़ा सा कंटेंट को मैंने जैसे कि बोला थोड़ा सा दूसरा टाइप का भी कंटेंट आपको दिखाने का ट्राई करूँगा, फूड ब्लॉगिंग वगैरह, गैंगटॉक के अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे, अनएक्सप्लोर्ड जो जगह होते हैं उसमें भी आप जाने का ट्राई करेंगे हम। थोड़ा सा ये मतलब अभी दुकान को लेके बिजी हूँ, तो अभी जैसे फ्री होता हूँ वैसे ही देखो जंगल में बैठा है भाई हम जंगल में, अच्छा रात मच्छर आ रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं, आशा करता हूँ ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, सबसे पहले दे देना इस वीडियो के एक लाइक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब जब ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन दिस इज दीपू साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।